अंबिकापुर एयरपोर्ट के ट्रायल लैंडिंग होगी और उसके बाद मैं सीधे के सुपेला में जाऊंगा जहां का कमलेश्वर पटेल के यहाँ भागवत कथा का आयोजन है और उसके बाद फिर अंबिकापुर आके कर्नाटक बेंगलोर की यात्रा होगी और कल वापस। जी नारायण चंदल कह रहे हैं कि कांग्रेस की बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, चुनाव के नजदीक आके बीजेपी का दामन थामे। नारायण चंदल जी अपने नेताओं के संपर्क में रह लें, बस्तर में बैठक होती नारायण चंदल जी गायब रहते हैं नेता प्रपक्ष। तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धर्मलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में धकेल दिया गया। सर एक तरफ आप लोग वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं लेकिन नारायण चंदेल कह रहे हैं अगर पैसा नहीं तो कहाँ से देंगे पैसा, भर्ती तो कर रहे हैं लेकिन पैसा कहाँ से देंगे, इस तरह के बयान दे। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था कि तीन राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो MP-LED है उसको 2 साल तक ख़त्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है? FRBM एक्ट का वायलेशन भारत सरकार कर रही है। तो जितना कर्ज भारत सरकार ने लिया है उतना कर्ज कभी नहीं लिया गया था। तो नारायण चंदेल जी जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। अजी बजरंग बली बोलने में कोई किसी कोई तकलीफ नहीं, जो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं 15 साल इनके राज हुआ, कभी कराए? कभी कौशल्या माता का मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार कराए? श्री नारायण के राज्य में राम की मूर्ति किसने स्थापना की? और पूरे राज्य में हम न केवल रामायण करा रहे हैं बल्कि जो रामायण समिति है उसको भी 5,000 रुपया हम लोग सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये दोनों को एक ना करें, बजरंग बली जी, हनुमान जी अलग हैं, वो हम सब के आराध्य हैं। और ये जो कह रहे हैं मोदी जी अब 40% कमीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते भाई, अडानी के बारे में क्यों नहीं बोलते? जब से अडानी घटना हुआ है तब से एक बार भी नहीं बोले। देश के सारे अभी अब अरुणाचल प्रदेश में आग लगी है, 12 में से 8 जिला में देखते ही गोली मारने का आदेश है, डबल इंजन की सरकार है वहाँ, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जो खुद के बारे में बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं, करप्ट लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में बोले? थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।